हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के सेशन में हम करंट अफेयर का सेकंड पार्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट इन द टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल इन मैंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस टीम इन एशियन गेम 2022। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एशिया खेल 2022 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीन पोजिशन टीम में स्वर्ण जीतने वाली टीम नहीं था। तो कौन नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, मनीष नरवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ ताइवान फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन टू काउंटर चाइना। कह रहे हैं कि चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है। तो इसका नाम है कौन, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, नरवाल। अगला क्वेश्चन है, द टर्म स्टोन गोस्ट विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। हाल ही में खबरों में चर्चित स्टोन गोस्ट शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस डाटा शेयरिंग नेटवर्क से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज द स्टेट ऑफ हरियाणा वोन इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। तो 2023 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उसमें हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, तो वह है 128 पदक टोटल जीते हैं, जिसके अंदर अगर बात करें तो 41 जो हैं वो गोल्ड हैं, और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो वो 32 हैं, और अगर सिल्वर की बात करें तो वो 55 है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक तारीख एक घंटा एक साथ कैंपेन वाज रिसेंटली इन यूज, इट इज अबाउट व्हाट। तो आपको बताना है कि जो एक तारीख एक घंटा एक साथ था, ये कैंपेन था, जो अभियान था, ये किस लिए था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट इज अ क्लीनलीनेस ड्राइव थी, ये एक स्वच्छता अभियान था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हाउ मैनी इंडियंस रिप्रेजेंट इंडिया फॉर लीग ऑफ लेजेंड्स गेम एंड एशियन गेम्स इन हांगजो। तो कितने इंडियंस हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 इंडियंस रिप्रेजेंट इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि सी हर्ट्स वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट। तो सी हर्ट्स जो कि अभी खबरों में, काफी खबरों में था, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो सी हर्ट्स की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशिया हर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो कौन सी स्टेट से रिलेट करती है, तो वो है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बैग्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पोर्ट एट नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। तो किस सिटी को बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पोर्ट एट नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का जो है वो अवार्ड मिला है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड द सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया के साथ किसने हस्ताक्षर किया, वो है अर्जेंटीना ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आईबी की पूरी तैयारी के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।